नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां सभी देवी देवता की कृपा बरसती है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी को रोज जल छोड़ा जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में धन धान्य सुख समृद्धि का वास रहता है। दोस्तों, रोजाना तुलसी का पत्ता खाने से बहुत से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जहाँ पर जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहाँ पर बुरी शक्तियाँ नहीं टिक पाती हैं। तुलसी का पौधा जहाँ पर रहता है वहाँ के स्थान पर चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तुलसी का पौधा कभी गंदगी वाली जगह से लाई हुई मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए और ना ही सूखी हुई तुलसी का पौधा घर में रखना चाहिए और ना सूखे पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, घर में तुलसी अचानक से सूख जाती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई दुख बीमारी प्रवेश कर गई है, जो कि तुलसी माता ने उस आने वाली दुख बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए तुलसी का पौधा अचानक से सूख गया है और घर में आने वाली दुख बीमारी संकट को एक तरफ से आपके घर से टल गई है। दोस्तों, जिस स्थान पर निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा रहती है वहाँ पर तुलसी का पौधा नहीं लगता है। आप कितना भी जतन कर लें, कितने भी पौधे की देखभाल क्यों ना कर रहे हों, वहाँ फिर भी वह पौधा सूख जाता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा कभी घर में दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो धन आने के बदले धन जाने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, तुलसी की पूजा किनको नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, तुलसी के आसपास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, ना ही चप्पल वगैरह रखना चाहिए। दोस्तों, किन औरतों को कभी भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए? पहला, दोस्तों, मांस मछली मदिरा का सेवन कर कभी भी किसी भी स्त्री को तुलसी की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। दूसरा, दोस्तों, जो स्त्री मासिक धर्म से हुई हो उन्हें भी तुलसी की पूजा भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, शारीरिक संबंध बनाकर बिना स्नान करे कभी भी तुलसी की पूजा अर्चना ना करें, इससे लक्ष्मी माँ आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएंगी। चौथा, जिस स्त्री ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अग्नि के साथ फेरे लिए बिना विवाह किया हो उन्हें भी तुलसी की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। पांचवा, दोस्तों, जो स्त्री चरित्रहीन हो या फिर मन में गंदे विचार रखती हो, ऐसी स्त्री भूल से भी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर वह ऐसा करती है और गंदे विचार मन में लेकर माता तुलसी को जल देती है या पूजा करती है, दोस्तों, तो वह पाप की अधिकारी बनती है। उसे हर प्रकार के कष्टों से जीवन जीना पड़ता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।